tra ka ka. गिर चुका हूं। नमस्ते मैडम। मैडम आपने मुझे बुलाया? खेत सूख गया सावन में, शाहरुख खान था रावण में। थारे केस के बारे में घना जो है विचार विमर्श करा है हमने, और काफी जद्दोजहद के बाद, अध्ययन के बाद हम इस सुमन पर अपना निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तू अपना ढाबे वाले की बेटी शादी करने को हाजिर हो जा। अरे नहीं नहीं मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो देखा था ना उस चिड़िया को, मेरे से उम्र में कितनी बड़ी लगती है। मैं तो नन्ना मुन्ना मासूम बच्चा लगूंगा उसके सामने, उससे शादी नहीं करूंगा। और मैडम दरअसल बात ये है कि मेरी एक आइटम है फुलझड़ी। भागा है? नहीं नहीं, अरे भागा नहीं, मैं ऐसी खुशी में। तो मैडम मेरा उससे ना लप्पा झप्पा चल रहा है। खेत सूख गया सावन में, शाहरुख खान था रावण में। देखो अगर हमारी मैडम ऐसा करने को कह रही है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगी। हाँ यार तुम्हें क्या लगता है, हमारी मैडम कोई बौड़म बसंती है? मेरा मतलब है अकल से पैदल घंटी है। मेरा मतलब है कोई बेवकूफ है क्या, जो कह रही है वो समझो यार। ऐसा है थारी शादी उसी से होगी जिससे करनी मांग रहा है तू, फुलझड़ी हो या पटाखा। ठीक है, बहरहाल जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर ले, अगर केस से मुक्ति चाह रहा हो तो। बुलवा लो उस मुजरिम मिश्रा को चौकी में, और उसको कह दो कि छोरे को रिश्ता मंजूर है। चलिए मैं आपको इज्जत से बाहर छोड़ दूँ। नमस्ते। ऐसे? छोड़ आया। वाह भाई, सुनने में आया है कि बहुत ही बढ़िया वाली स्कीम जो है तुमने चेपी है सायर को, है जी? मतलब क्या स्कीम है बढ़िया वाली? कि सायर जो है तुम्हारी चुहिया का चूहा, आई मीन अपना दूल्हा बन जाए, और तुम जो है वो 3 लाख जो उसको ढाबे को देने हैं पैसे, वो तुम दहेज की रकम समझ के दे दोगे, चुका दोगे उसके तुम। अब क्या बताऊं मैडम, मेरा तो कुछ दिल ही ऐसा है, अब मुझे तरस आ गया उसको देख के। मैडम मैंने सोचा कि बेचारा 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, इसलिए मैडम चुहिया 5वीं फेल है।
वरना अरे वरना मेरी चुहिया के लिए कोई रिश्तों की कमी है, है? बिल्कुल वो तो इन्हें देखकर ही लगता है। ए दरोगा बाबू, आप हम पर लाइन मारने की कोशिश मत कीजिए। हमारी शादी शायर शिवहरे से होने वाली है, कड़ी में पकोड़े डालूंगी। सही हुआ, एक आज जो एक्स्ट्रा लाइन बोलने की आदत है ना, इसे छोड़ दीजिए अब, वरना ऐसी कोई बंध जाएगी आपके भी पल्ले। तो वेरी गुड यार, मतलब गुड। वेल, मॉम ने की है उस लड़के से बात, इज्जत हसीना समझती नहीं है मेरे जज्बात। वैसे आपके लिए खुशखबरी है भाई साहब, आंटी जी, और खुशखबरी ये है कि वो शायर शिवर शादी के लिए मान गए। अरे क्या है? अरे बेटी बैठो, जरा कंट्रोल करो। मैडम ये तो बड़ा अच्छा किया आपने, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, चुहिया पांचवी फेल है। मैडम अब हम जल्दी से जाके उसके रिश्तेदारों से शादी की बातचीत पक्की कर लेते हैं, चुहिया पांचवी फेल है। देखो ऐसा नॉट टू बरी, मैंने जो है उसको शायर से भरे को अपना राखी ब्रदर बना लिया है, मतलब ये वो हमारा भाई है, वो भी छोटा वाला, ठीक है। अच्छा तो उसके शादी की जिम्मेवारी मारी है, शादी यही होगी चौकी में और कल होगी सगाई, वो भी चुहिया से। yes! मतलब कल कड़ी में पकौड़े डालूंगी। बिल्कुल, तो सगाई की तैयारी करो फटाफट, चलो निकलो। चलो चलो बेटी, चलो Well, mom, what is the next plan? Is the khule hai mere kaan? Is the नेक्स्ट प्लान यो है कि अगला स्टेप उठाओगे तू और गुलगुले, और उड़ेंगे उस मुजरिम मिश्रा के बुलबुले। या ब्रो, या या घटिया आदमी है तू, घटिया। पोते की उम्र का लौंडा है वो। और ये बोल रही है तो दिस इज नॉट फायर। क्या ये आप लोग क्या कह रहे हो? मैं अभी जवान हूँ। क्या है? यार अभी तो तुम जवान हो, देखो तुम्हारे बुड्ढे होने में उतना ही टाइम बाकी है जितना पकी हुई दाल में तड़का लगने का। देखो बात को समझो यार। वेल, ढंग से समझो, मम्मी जी का प्लान इज द, मम्मी जी सीता मैया, मैं हूँ उनका हनुमान इज द। और हम हनुमान बन के तो हम हनुमान बन के किसी की लंका जलाएंगे और तुम्हारा घर बसाएंगे। सोचो मत यार ज्यादा, जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाओ, समझे? Well, तुम्हारी हेल्प के बिना पूरा नहीं होगा ये काम इज़दा, केले के छिलके पे पड़ा पाँव मैं गिरा धड़ा मिज़दा। ठीक है, आप लोग जैसा कहते हो ठीक वैसा ही मैं करूंगा, मैं अभी जवान हूँ। ये हुई ना बात। तुम्हारे यहाँ पेशेंट का खाना कितने बजे आता है यार? बस अभी आता ही होगा। आएगा मजा। सुनो ये है यहाँ पे? हाँ है ना, कप सिरप है। कप में नहीं, गिलास में चाहिए। क्या कर रहे हो? सगाई का मुहूर्त तो निकला जा रहा है, हंस रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अरे ऐसा कैसा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, सगाई होगी, मुहूर्त कैसे निकल जाएगा? मारे राखी ब्रदर की सगाई है, ताली है, कैपिंग एवरीबॉडी। नहीं नहीं, लेकिन मैडम मैडम ऐसा खुशी का मौका होता है तो उसमें मुंह मीठा करना चाहिए, मतलब ऐसे मौके पे मुंह मीठा नहीं किया तो ऐसा शोभा नहीं देता मैडम। शोभा कौन है, आपके पड़ोसन? Well, पहले मुंह मीठा करेंगे सब खा के मिठाई इज द, उसके बाद होगी दोनों की सगाई इज द। अरे भाई ऑब्वियसली यार, मिठाई तो बनती है, शुभ मौका है, और मैं क्या चाह रही हूँ, आज जो है दुल्हा
अपने ससुर जी को अपने हाथ से फर्स्ट टाइम मिठाई खिलाएगा। फ्रॉम दमाट टू ससुर, क्यों भाई? yes! जा बिल्लू मिठाई ले गया। हाँ हाँ, तो लाइए ना, खेत सूख गया सावन में, शाहरुख खान था रावण में। ले आ यार बिल्लू। कौन बिल्लू? मिठाई ला बे। हाँ मिठाई तो लानी है। हाँ भाई, खुशी क्लैपिंग। खुश बे है? अरे मतलब खिलाओ ससुर को, खिलाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं खिलाता हूँ बड़ा वाला। खिलाओ खिलाओ, इसमें क्या मिठाई तो है। बोलिए बड़ा वाला। हाँ लीजिए, खिलाओ आराम से। आगे आ, अरे आराम से खिला। क्या बात है, क्या बात है, क्या खुशी का मौका है। एक मेरी तरफ से भी खिलाइए अंकल, नाम मत कहिएगा। ठीक है ठीक है, खिलाओ आपकी तरफ से भी। मेरी मुगली मुगली आ, क्लैपिंग। मेरी तरफ से भी खिला दो। अब जल्दी से सगाई करवाइए ना, कड़ी में पकौड़े डाल दूंगी। अब हाँ हाँ, सगाई करवाने के लिए तो खड़े हैं। एक मिनट जेंटलमैन, हमारे गर्लफ्रेंड का फोन आया है। आपको कैसे पता? वाइब्रेट हो रहा है। अच्छा अच्छा, वाइब्रेट हो रहा है ना। उरे उरे, जाओ 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 जाओ, बाहर जाके बात करो। अच्छा ठीक है, पर्सनल में, प्राइवेट में। हाँ भाई आंटी, नहीं मतलब चुहिया, ये अंगूठी पसंद आई तुम्हारी, हमने बड़े नाजो से लाई है। अरे पेट में दर्द हो रहा है, चुहिया पांचवी फेल है, लगता है बुड्ढे की शुगर बढ़ गई। अरे नहीं नहीं बेटा, ये शुगर नहीं है, ये तो पेट में दर्द है, चुहिया पांचवी फेल है, जान निकले जा रही। अरे जल्दी डॉक्टर बुलाओ। हाँ एक मिनट, बढ़िया वाले अस्पताल फोन करके एम्बुलेंस बुलवा लो। मैडम वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, मैं कहाँ से बोला। वो 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 महंगा नर्सिंग होम से बुला लूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, महंगा नहीं महंगा नहीं, ये तो नाम से ही महंगा लग रहा है, किसी सस्ते से मंगा लो, चुहिया पांचवी फेल है। अरे तो वो सुपर हाई फाई अस्पताल है, वहां से मंगा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं जाए, देखिए वो पता है मुझे बहुत महंगा है, वो नहीं, किसी ऐसे अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाओ जहाँ कोई स्कीम वीम हो, चुहिया पांचवी फेल हो। मम्मी जी, यहाँ बाजू में ना एक नया अस्पताल खुला जी, इनको वहाँ भर्ती करवा देते हैं, वहाँ नई नई स्कीम भी है और डॉक्टरों की अच्छी टीम भी है। अच्छा ठीक है, ये अस्पताल ठीक है, यहाँ स्कीम भी है, यही भर्ती करा दो, जल्दी प्राण निकले जा रहे, तू या पांचवी फेल है। अरे तो बात आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस, बुलवाओ स्कीम वाले अस्पताल से। अरे जल्दी करो। हेलो पागल खाना, सॉरी वैसे तो ये भागा है ना, इनके लिए, इनके लिए हम सॉरी सॉरी। हेलो स्कीम वाला अस्पताल, हाँ चौकी से, चौकी से बोल रहा हूँ, एक एम्बुलेंस भेजिए। आ रही है, आ रही है, बस आ गया। आई तब तक एक बार फिर और ठुसवा। अरे नहीं अभी नहीं, बाद में, बाद में, इसको रख लो। अरे बेटी पेट में बहुत दर्द है। अरे जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाइए ना, कड़ी में पकौड़े डाल दूंगी। नहीं मैडम आप प्लीज रोइए मत, अरे अच्छे डॉक्टर आए हैं हमारे अस्पताल में, फॉरेन से, विदेश से डॉक्टर मंगवाए, वो इनका इलाज करेंगे और ये अच्छे होके चले जाएंगे। उससे पहले आप है ना इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, ये लीजिए। अरे रुको रुको, पहले ये तो पूछो कि इस अस्पताल में कोई स्कीम है कि नहीं। चुहिया पांचवी फेल है, वो तो यही बता देंगे। बताइए इस अस्पताल में कोई स्कीम है? स्कीम स्कीम से, हाँ हाँ पता है यार, माने है ना स्कीम है यहाँ पे, जो वो विदेशी डॉक्टर है उनकी जो फीस है ना, उनके सिर्फ 1% आपको भरने हैं। ओह माय गॉड, 99% की छूट इज द, जल्दी लो मौका, लूट इज द, मतलब बुड्ढे को सिर्फ 1% ही पे करना पड़ेगा। अरे मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, बेटी करो साइन, जल्दी करो, चुहिया पांचवी फेल है। क्या स्कीम है, क्या स्कीम है, वाह वाह वाह, हो गया हो गया हो गया। अरे डॉक, अरे ये
डॉक्टर साहब या डॉक्टर या प्लीज कर ओला लाला खुला 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 हिला हाँ हिला हिला या ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि पेशेंट यही है तो मैंने कहा हाँ पेशेंट यही है हाँ हाँ डॉक्टर साहब मैं ही मरीज हूँ मेरे पेट में बहुत दर्द है चूहिया पांच भी फेल है पेट स्टमक अरे ये क्या नया तरीका है विदेशों में ऐसे चेक करते थे ए डॉक्टर साहब पेट में दर्द है पेट में पेट में वहाँ ठीक है हुला लाला आऊंगा हुला लाला आऊंगा बुड्ढे को बेवकूफ बनाऊंगा नहीं मतलब वो डॉक्टर साहब का कहना है कि आपका ऑपरेशन करवाना होगा अच्छा ऑपरेशन अरे ऑपरेशन अरे डरिए मत डॉक्टर साहब लेजर से ऑपरेशन करेंगे आप अच्छे हो जाओगे अभी तो मैं जवान हूँ अरे लेकिन वो अरे सोच क्या रहे हो अरे खाली 1% तो पे करना है करवा लो हाँ हाँ मुझे मंजूर है चूहिया पांचवी फेल है अरे यहाँ भी होता है बड़े डॉक्टर साहब हाँ यहाँ भी पेट में दर्द नहीं ठीक हो गया वाह वाला वाह वाला बुड्ढे को बेवकूफ बना डाला वाह वाह यो 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 मैं डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है आपको यहाँ से डिस्चार्ज दिया जा रहा है और ये रहा आपका बिल थैंक यू ये तो 25 लाख का बिल है कड़ी में पकौड़े डाल दूंगी 25 लाख अरे ये कैसे हो सकता है बेटे अरे आपने तो कहा था कि हॉस्पिटल में स्कीम है तो ये 25 लाख कहाँ से आ गया है चूहे पांचवी फेल है 1% अरे लेकिन इन्होंने कहा था ना डॉक्टर की फीस का 1% लेंगे तो वही तो कहा ना डॉक्टर ने ये डॉलर्स में फीस लेते हैं तो इंडियन करेंसी के हिसाब से हुए 25 करोड़ रुपए और उसका 1% मतलब के 25 लाख रुपए तो वो तो आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये स्कीम तो आपने ही मंजूर की है और आपकी बेटी ने उस पर साइन भी की है अरे भाड़ में गई ऐसी स्कीम भला कैसे हो सकती है ये तो चीटिंग है धोखा ऐसी स्कीम नहीं हो सकती हाँ। क्यों 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 ना हो सके ऐसी स्कीम भैया जब ऐसी फालतू पंती की स्कीम हो सके कौन सी कि खाना तुम खाओ बिल तुम्हारा पोता चुकाएगा तैने तो जो है किसी को 3 लाख का खाना खिलवा दिया बेचारा एक आदमी 3 लाख का बिल भर रहा है तो तू भर 25 लाख थारी बेटी ने साइन करें भरने तो पड़ेंगे मैडम माफ कर दीजिए मुझे सब समझ में आ गया मैडम माफ कर दीजिए बहुत बड़ी भूल हो गई मैडम आपने मुझे अच्छा सबक दिया चूहिया पांचवी फेल है मैडम लेकिन क्या करता एक बाप हूँ वो भी एक ऐसी बेटी का जो ओवरएज है मैडम चूहिया पांचवी फेल है इसीलिए मैं ये सब मतलब देखो इस बात की एक बात यो है मैं बताऊं कि किसी से भी जो है धोखा करके जबरदस्ती झूठ बोल के अगर तू अपनी बेटी ब्याह देगा तो ऐसे झूठे रिश्ते में वो कभी खुश ना रहेगी Well, तुम्हारी बेटी हो गई है ओवर एज दा तब भी सजेगी इसके सुहाग की सहज दा लेकिन कैसे ऐसे कि इन जैसी ओवर एज आंटियां जो बच जाती हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती हैं उनके लिए ऐसे अंकल भी तो फिर रहे हैं ओवर एज होके क्यों गिरे पड़े अंकल वो तो हो गया हाँ भाई देखो ऐसा है कि इन जनाब की और तुम्हारी बेटी की उम्र जो है ना सेम टू सेम हो रही है एक उम्र के हो रहे हैं दोनों तो मैं क्या कह रही हूँ ज्यादा ऑप्शन है नहीं मार्केट में दोनों आपस में देख लो अगर पसंद कर रहे हो एक दूसरे को तो है क्या भाई तुम्हें पसंद है यो जी हाँ मुझे पसंद है अरे वाह वाह तो भाई जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा यो पाजी नहीं मतलब पाजी यार दिस वन अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है इसी खुशी के मौके पर आप सबको दावत है मेरे ढाबे में चूहिया पांचवी फेल है और एक स्कीम भी है कि खाना खाएंगे आप लोग और पैसा भरेगा लड़की का डैडी यानी कि मैं चूहिया पांचवी फेल है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.